हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि कनेक्शन फेलियर जो मैसेज आ रहा था आप लोगों को जब डाटाबेस कनेक्टिविटी के बारे में हम लोग बात किए थे तो उस वीडियो में, तो कुछ यूजर्स को उसमें प्रॉब्लम आ रहा था कि कनेक्शन फेल हो जा रहा है या फिर कनेक्शन फेल्योर का मैसेज शो हो जा रहा है जब वो डाटाबेस कनेक्ट कर रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारा कमेंट आया और इस पर कि वीडियो चाहिए, तो फाइनली हम आ गए हैं एक वीडियो लेके कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो गाइज, ये प्रॉब्लम आपको दो बार शो होता होगा, या तो आप अगर टेस्ट कनेक्शन करते होंगे जैसा कि हम लोग अब डाटाबेस कनेक्टिविटी वाले वीडियो में बात किए हुए थे, तो उसमें जैसे ही आप टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करते होंगे तो आपको इस तरह से कनेक्शन फेल्ड का मैसेज शो हो रहा होगा, जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन लिंक फेल्योर का पॉपअप मैसेज आएगा, फिर इस तरह से आपको मैसेज शो होगा। या नहीं तो अगर आप यहाँ इस ऑप्शन पे नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको इस तरह से इरर शो होगा, और उस इरर में भी सेम चीज आपको लिखा मिलेगा, कम्युनिकेशन लिंक फेल्योर। तो ये दोनों प्रॉब्लम आपको दो टाइम्स मिल सकता है। आप जब भी डाटाबेस से कनेक्टिविटी करते होंगे या फिर कम्युनिकेट करने की कोशिश करते होंगे तो इस तरह से कुछ इरर आपको शो हो रहा होगा। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि ये इरर आते क्यों है, देन इसके बाद इसका सोल्यूशन के बारे में जानेंगे कि इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, या फिर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर आप भी डाटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं जावा में या फिर इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर हम कोई भी वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये आखिर एरर आ क्यों रहा था। जैसे कि अभी देखिए, हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये एरर हमको फिर से शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, फिर से इरर शो हो गया हमको, तो जबकि मेरा प्रोग्राम में यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम मेरा सही लिखा हुआ सेम प्रोग्राम है, तो इसमें कैसे प्रॉब्लम शो होता था। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि दोनों इरर देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे आ रहा था। तो सबसे पहले हम लोग अगर सर्विसेज में आके डाटाबेस कनेक्ट करने का कोशिश करते थे तो यहाँ से हम लोग अपना ड्राइवर सेलेक्ट कर देते, और जो हम JDBC ड्राइवर डाउनलोड किए हुए थे कनेक्टर जे, उसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेते थे यहाँ पे, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट करते थे तो यहाँ पे हम लोग को अपना MySQL का पासवर्ड एंटर करना रहता था, देन टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ना था। लेकिन जैसे हम टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे एक इरर शो हो जाएगा कम्युनिकेशन लिंक फेलियर का। या नहीं तो अगर हम इसको क्लोज करके डायरेक्ट अपना कोडिंग करते हैं, कोडिंग के थ्रू भी हम बताए थे कि कैसे कनेक्ट करते हैं, तो कोड यहाँ पे हम लिख चुके हैं, और जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये इरर हमको फिर से शो हो जाएगा। आपको इसी दो में से क्यों कोई एक इरर शो हो रहा होगा, तो चलिए इन दोनों का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो ये इरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि आप या तो आप MySQL सर्वर के लिए आप जेम सर्वर यूज करते होंगे, जेम सर्वर के थ्रू आप अपने MySQL को स्टार्ट और ऑफ करते होंगे, या नहीं तो फिर आप अगर MySQL सर्वर इंस्टॉल किए हैं और वो अभी रनिंग मोड में नहीं है, वो रनिंग मोड में नहीं है, वो ऑफ हो चुका है, इसलिए ये इरर आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए या तो अपना जेम सर्वर ऑन कीजिए और वहां से MySQL सर्वर को स्टार्ट कर दीजिए, तो आप सिंपल सा यूज कर सकते हैं, फिर आपको ये इरर नहीं होगा। अदरवाइज आप आ जाइए अपने सर्विसेज मेनू में। चलिए हम चलते हैं अपने सर्विसेज मेनू में। और यहाँ पे आप MySQL को सर्च कीजिए, तो आप जब MySQL को सर्च कीजिएगा तो यहाँ देख सकते हैं MySQL 8 80 जो है वो डिसेबल मोड में है, या तो आप डिसेबल मोड में होगा या नहीं तो आप इसको मैनुअल किए होंगे। इसके प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे, स्टार्टअप टाइप में आप इसको क्या कीजिए, या तो मैनुअली कर दीजिए, अगर आप जेम सर्वर यूज कर रहे होंगे तो इसको मैनुअली करके रखे होंगे, या तो फिर डिसेबल होगा, यह दो होगा। तो आप इसको क्या कीजिए, अगर आपको जेम सर्वर यूज करना है तो इसको मैनुअली कर दीजिए, अगर जेम सर्वर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो इसको ऑटोमेटिक कर दीजिए। तो अभी तो इस दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो चलिए मैनुअली ही रहने देते हैं, मैनुअली सिलेक्ट करते हैं और इसको अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। तो जब आप मैनुअली सिलेक्ट कर दीजिएगा तो इसको आप ऑफ और ऑन कर सकते हैं अपने जेम सर्वर के थ्रू। तो यहाँ देख सकते हैं बाकी प्रोसेस कुछ इसमें रनिंग मोड में, और जो मेरा MySQL है वो रनिंग मोड में अभी नहीं है, तो आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट पे क्लिक करके इसको रनिंग मोड में ला सकते हैं। जैसे ही सर्वर मेरा रन हो जाएगा तो उसके बाद वो कम्युनिकेशन शुरू कर सकता है। वहां से हम कम्युनिकेट करना चाहते थे अपने MySQL सर्वर से, लेकिन MySQL सर्वर मेरा यहाँ पे ऑफ था, रनिंग मोड में नहीं था, तो इसलिए वहां से
कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो इरर शो हो रहा था। या तो आप यहाँ सर्विसेज मेनू में आके इसको रन कर दीजिए, अदरवाइज आप जेम सर्वर से डायरेक्ट रन कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से कर लेते हैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो हमको कमेंट करके बताइए। अगर आप चाहते हैं कि हम जेम सर्वर के थ्रू बताएं कि उसमें कैसे हो, तो उसके लिए आप एक कॉमेंट कर दीजिए, उसमें हम वीडियो जरूर बना देंगे। तो चलिए, मेरा सर्वर रन हो चुका है और मेरा माइस्कल सर्वर रनिंग मोड में आ चुका है। तो अब देखते हैं कि मेरा प्रॉब्लम सोल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो रजिस्टर कर लेते हैं हम लोग। तो डाटाबेस में आएंगे, न्यू, तो यहाँ पे आप लोग कोई इरर शो हो रहा होगा तो नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना पासवर्ड फिल करते थे। तो चलिए, अपना पासवर्ड फिल किए, टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक किए, तो देख सकते हैं कनेक्शन मेरा सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको हम लोग फिनिश कर देते थे। तो कनेक्शन हो गया, देन इसके बाद हम लोग इस प्रोग्राम को अगर रन करेंगे तो इरर मेरा नहीं आना चाहिए। तो चलिए रन करके देख लेते हैं कि अभी भी कुछ इरर आ रहा है। तो देख सकते हैं जो मेरा एरर है वो खत्म हो चुका है बिल्कुल, और मेरा आउटपुट यहाँ पे शो होने लगा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया हो। अगर आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नहीं हुआ तो आप हमको कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, और साथ ही आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा था। तो चलिए, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।